बहुत तेज बुखार है मुझे, मैंने मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अव्वल नंबर की बेशर्म हो तुम, तुमने आज साफ साफ दिखाई दिया। कमजोरी में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है और आप उन्हें अकेला छोड़कर बाहर चले गए। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से कल श्रद्धा से साफ साफ सारी बातें ही कर लूंगा। हमारे बीच कुछ तनाव नहीं रहना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। जानता हूँ घर में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मेरा फोन तो उठा लो एक बार। एक बार मुझसे बात करो, कल मुझसे मिलने आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। हेलो अभय, वो एक्चुअली मैं मीटिंग में हूँ ना, ऑफिस में सब लोग साथ में बैठे हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ। जाने दूंगी। अभय ये चिट्ठी यहाँ पर किसने डाली, कौन है ये? आरी जी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसके लिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। श्रद्धा सही कह रही है, जरूरी थोड़ी ना जो जैसा दिखे वैसा ही हो। मुझे एक बार ना खुले दिल से श्रद्धा से बात करनी होगी। श्रद्धा कीर्ति जैसी नहीं है, दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था। सब ठीक हो जाएगा यार। ये वाली ड्रेस पहने? ये तो बहुत अधूरा। कीर्ति? वरुण जी? आपने तो लगाई दिया और आप कब आए? हमें तो पता ही नहीं चला। तुम कभी मेरा फोन उठाओगी तो तुम्हें पता चलेगा ना। अब आप ताने मत मारिए, कभी कभी हमारा फोन साइलेंट पे रह जाता है। वरुण जी इसमें से कौन सा पहनूं, इनके कौन सा अच्छा लगेगा? मतलब तुम फिर कहीं जा रही हो? हाँ हमें थोड़ा काम है। कीर्ति मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही, अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो प्लीज मत जाओ ना। बुखार से बहुत कमजोरी लग रही है, चक्कर भी आ रहे। पर वरुण जी हम तो सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए घर आए थे और हम ना यूं गए और यूं आए। तुमने शायद सुना नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत तेज बुखार है मुझे, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। प्लीज अगर हो सके तो रुक जाओ थोड़ी देर मेरे पास। हाँ कोई बात नहीं, आप ना आराम करिए, हम आपको दवा देते हैं। हाँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ आराम करिए, चलिए लेट जाइए, हम ये सब रख देते हैं। ये लीजिए। आप प्लीज ले जाइए, चलिए हम आपके पास है, ठीक है? हम कहीं नहीं जा रहे। Thank you.
4 बज रहे हैं, 1 घंटे में पहुंचना है, पर जाऊं कहां इसका फैसला नहीं कर पा रही हूं। बोलो मेरी जान, मिल रहे हैं ना शाम? हेलो आरती। मैं कैसे समझाऊं उसको कि वो गलती कर रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है श्रद्धा की, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। श्रद्धा मैं निकल रहा हूं, तुम भी वक्त पे आ जाना, देर मत करना। बहुत बढ़िया फोटो शूट हुआ है कीर्ति जी, आपका ये चेहरा तो जैसे बस कैमरे के लिए ही बना है। बस देखिएगा कैसे आपके दरवाजों पे एड्स की लाइन लगती है, हर ब्रांड को बस देखिएगा सिर्फ आपका चेहरा ही चाहिए होगा। बड़े बैनर्स पे, बोर्ड्स पे, थिएटर पे बस, और आपके इस खूबसूरत चेहरे को। काश काश बिल्कुल ऐसा ही हो, हम तो बस काम करना चाहते हैं। आप बताइए कब से शुरू करें? थोड़ा वक्त लगेगा कीर्ति जी, पहले ये तस्वीरें हम छाट के एजेंसी को भेजेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे बात करता रहूंगा। आप बस वो एडवांस दे के फॉर्म भरना शुरू कीजिए। हम पैसे दें? ये तो करना ही पड़ता है कीर्ति जी, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे और बाकी आपके लिए एक टीम भी तो बनानी पड़ेगी, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट, सेक्रेटरी वगैरह। अरे अब बड़ी मॉडल लॉन्च कर रहे हैं भाई, मजाक थोड़ी है। हमारे लिए इतना कुछ, लेकिन अब वरुण जी से इसके लिए पैसे कैसे मांगूं? वो कुणाल जी थोड़ा वक्त लगेगा पैसे अरेंज करने में, वो क्या बात है ना कि हमारे पति काम में उलझे हुए हैं। ठीक है, एक काम करिएगा, आप आराम से हमारे बैंक में पैसे डलवा दीजिएगा, बाकी फिर भगवान का नाम लेके काम शुरू करते हैं जल्दी, है ना? चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। डरा ही दिया था आपने दीदू, यहाँ क्या कर रही हैं आप? कहीं यहाँ पे आप हमारा पीछा तो नहीं कर रही? ये तो ये मेरे रोज का रास्ता है, और अचानक से मुझे यहाँ पर आज तू दिखी है। मुझे बस इतना बता, कैसे जानती है तू उस लड़के को? हमें पता ही था कि आप ना हमारे पीछे पड़ेंगी, त्रिपाठी खानदान की बहू जो है हरकतें तो उनकी जैसी ही होंगी। सुबह सुबह माँ और बुआ घर पे आके हमारा ऑलरेडी दिमाग खराब कर चुकी हैं, और अब आप बंदूक तान के खड़ी हमारे सर पे। मैंने तुझसे जितना पूछा है मुझे बस उसका जवाब दे, कैसे जानती है तू उस लड़के को? दीदू ये हमें मॉडल बनाना चाहता है, मॉडलिंग करेंगे हम इसके साथ, अपने पैर पे खड़े होंगे आपकी तरह। दिमाग खराब हो गया तेरा कीर्ति, बिना किसी को जाने, बिना किसी को पहचाने किसी पे भी भरोसा कर लेती है तू, क्या जानती है तू आखिर उसके बारे में? ज्योति के कांड से तुझे अभी तक कोई सीख नहीं मिली क्या? वाह, जता दिया ना एहसान, बता दिया ना कि हार आप ही ढूंढ कर लाई थी, हम नहीं। एहसान, कीर्ति यहाँ पर मैं तुझसे सिर्फ उस लड़के के बारे में अभी पूछ रही हूँ। कीर्ति वो लड़का भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं है, अब अगर तू किसी गलत रास्ते पर चलेगी तो क्या मैं तुझे अब कुछ बोल भी नहीं सकती? सबको लगता है ना कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता, हमारी जिंदगी पे हमारा तो कोई हक ही नहीं है, वो जैसा चाहते हैं जिस हिसाब का चाहते हैं हमें उनकी तरह जीना है। अरे ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है ना दीदू कि हम मर ही जाएं। दीदू हम सही करें या गलत,
उस फैसले पे हमारा हक होगा, ना आपका, ना घर वालों का और ना वरुण जी का। ठीक है कीर्ति, तूने मुझे मेरा फैसला लेने में बहुत मदद की। अब मुझे कहां जाना है ये मैं जानती हूं। था जल्दी आने को, पता नहीं कहां रह गई है। दो पल के लिए तो मुझे लगा था शायद तुम नहीं आओगी, तनी क्यों अजीब सी घबराहट हो रही थी। अब तुम आ गई हो तो हमारे बीच में कोई भी नाराजगी नहीं रहेगी, इसीलिए मैंने आज ये सब कुछ किया है हमारे लिए, ताकि आगे चल के किसी भी सवाल की वजह से हमारे बीच दूरी ना आए। श्रद्धा क्या कर रही हो? श्रद्धा कीर्ति, कीर्ति पानी देना प्लीज। कीर्ति 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 सोनिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? ऐसे गुस्सा करते हुए भी तुम कितने अच्छे लगते हो ना। बस अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच में कुछ खास। अव्वल नंबर की बेशर्म हो तुम। तुमने आज साफ साफ दिखाई दिया। पहले ये सब तुम्हारी हरकतें ना मुझे तुम्हारी नादानी लगती थी, इसलिए इग्नोर कर देता था, पर आज छी, अरे बेशर्मी ने तुम्हारा दिमाग इतना खराब कर दिया कि तुम्हें क्या लगा हा? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है हा? 100 जन्म में मेरी करूंगा। तुम ना मेरी सिर्फ दोस्त थी, पर तुम्हारी ये हरकतों ने कीचड़ में घसीट दी है, और ये जो तुम नाटक करती हो ना से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा चरित्र खराब होता है। कमाल है अबे कमाल, सच में चरित्र की बात करते हुए ना बहुत अच्छे लगते हो तुम, बस ये उंगली ना गलत जगह मोड़ी है तुमने। चरित्र की बात ही करनी है ना तो जा करके अपनी नजर और अपनी उंगली अपनी बीवी के ऊपर रखो, क्योंकि इस खानदान को कीचड़ में वो घसीट रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज के बाद ना तुमने अपनी ये गंदी और ओछी जुबान से कुछ भी बोला ना तो क्या मारोगे तुम मुझे? मारो ना, रुक क्यों गए? मारो और बंद कर दो मेरी ऊंची जुबान। किस किस का जुबान बंद करोगे तुम? हाँ सुनियो, मैं तो चुप हो जाऊंगी, पर जो सच तुम्हारा दिल जानता है ना, जो तुम्हें काट रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, वो कैसे छुपाओगे तुम? हेलो अभय, वो एक्चुअली मैं मीटिंग में हूँ ना, ऑफिस में सब लोग साथ में बैठे हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ।
सच बताऊं अभय, इस वक्त ना मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है, क्योंकि तुम यहाँ अपनी बीवी के लिए शामें प्लान कर रहे हो और वो वहाँ अपनी शामें किसी और के साथ खास बना रही है। बस सोनिया। क्यों बस? क्यों बस? क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और तुम ये सच सुन नहीं पा रहे हो। हाँ, मुझे पता था कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि श्रद्धा के प्यार की पट्टी जो बंधी है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें सब पता है ना? चलो। से वेट करी हूँ मैं तुम्हारा, कहाँ रह गए थे तुम? अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए सबसे सुंदर गुलाब ढूंढ रहा था, हर जगह मुरझाए हुए ही मिल रहे थे, इसीलिए देर हो गई। अब तो माफ कर दो अपनी जान को। चलो माफ किया, बैठो। और घर का माहौल कुछ बेहतर हुआ? और वो तुम्हारी भाभी का कुछ हुआ? भाभी? क्या हुआ जान, तुम्हारी भाभी का नाम ही लिया है, तुम तो ऐसे आगे फाड़ रही हो जैसे उनको सामने देख लिया। हाँ भाभी सामने ही है, पर मेरी तरफ ही आ रही है, अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर देख लिया तो सच में बहुत बवाल हो जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। अरे आरती, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक मिनट में नहीं निकली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, पक्का, सॉरी। बाय। अरे लेकिन अरे आप यहाँ कैसी हैं आप? कोई नहीं, हमारी भी शाम की कॉफी के लिए साथ मिल गया, आइए ना, वैसे भी उस दिन की कॉफी अधूरी रह गई थी। रुको कुणाल, और अगर अभी ही रुक जाओगे ना तो वो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। क्या हो गया भाभी जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुमसे आरती और कीर्ति दोनों की बात कर रही हूँ। संभालिए अपने आप को। आपका बदन तो थप रहा है। आइए बैठिए। बस बस वो भी पानी पानी अभी ला। बस एक मिनट, ये लीजिए। कीर्ति कहाँ है? कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति आ क्यों नहीं रही है? मम्मी शायद वो घर पर नहीं। घर पर नहीं है मतलब? वो आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर बाहर चली गई? बस ये भगवान, ये तो अच्छा हुआ कि हम सही वक्त पे आ गए। ऋतु और तनुजा बाहर बाजार में जा रहे थे तो हमने सोचा कि हम खुद आके अपने हाथों से आपको प्रसाद खिलाएंगे। पता नहीं आपने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। दीदू क्या कम थी कि अब ये भी आ गई, पक्का ना हमें ताने सुनाने आई होगी। कीर्ति, आपको अकेले में अपने बेटे को हमारे खिलाफ भड़काने का मौका तो मिल ही गया होगा ना, अब हमसे क्या चाहिए? आप एक पत्नी होने का फर्ज तो नहीं निभा सकती, कम से कम इंसानियत का फर्ज तो निभाइए। वरुण की तबीयत इतनी खराब है, उनसे कमजोरी में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है और आप उन्हें अकेला छोड़कर बाहर चली गई। हो गया, या और भी कुछ बोलना है? को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कीर्ति? आप हमें इतना क्यों सुना रही है?
अगर हम थोड़ा सा बाहर चले गए तो आप तो बात का बतंगड़ी बना रही है, जैसे हम शहर छोड़ के भाग गए। अरे हमारा भी काम हो सकता है ना? ऐसा कोई भी काम आपके पति की इस हालत से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। वो पति जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वरुण जी को ना हमारे खिलाफ भड़काना आप बंद करिए। जब हम बाहर गए थे ना, वरुण जी आराम से गहरी नींद में सो रहे थे। उनके हिसाब से हम बाहर गए हैं और उन्हीं के हिसाब से हम अंदर भी आए हैं। आपको बाहर जाना ही नहीं चाहिए था कीर्ति, आपको यहाँ रह के इनका ख्याल रखना चाहिए था। पर उसके लिए तो आप है ना। हम आपके साथ रहे या ना रहे, आप हमें अकेला थोड़ी छोड़ती हैं। छोड़ देंगे। जब आप अपनी जिम्मेदारियां उठाएंगी तब। आप अपने अलावा किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं क्या? हमने अपने बेटे को आपके साथ अकेला छोड़ दिया और आप तो उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगी। मियां प्लीज शांत हो जाइए। अरे नहीं नहीं वरुण जी, इन्हें बोलने दीजिए ना। और आपको तो ऐसे भी आदत हो गई होगी अपनी बीवी की बुराई सुनने की, क्योंकि आज तक आपके मुंह से अपनी बीवी के लिए दो अच्छे शब्द तक नहीं निकले। कीर्ति बस चिल्लाइए मत, क्योंकि चिल्ला हम भी सकते हैं। और अगर आप अपने परिवार की जबान बंद नहीं करवा सकते ना, तो हमारा भी मुंह मत बंद कराइए। और ये हमें कहते हैं कि हमें शर्म होनी चाहिए, इनमें है शर्म? है इनमें शर्म? क्या फायदा हुआ हमें अलग होने का, जब आप हमारी जिंदगी में दखल देती रहती हैं? अबे निकाल दीजिए ना फिर से हमें आपके घर से बाहर। अगर ऐसी हरकत रही ना, तो एक दिन सच में धक्के मार के आपको घर से बाहर निकाल देंगे। कीर्ति, बस। क्या लाइए सब, आखिर चाहते क्या हो तुम? अरे अब हमने क्या कर दिया ऐसा भाभी जी? तुमसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि आरती से दूर रहो, लेकिन तुम माने नहीं, अभी भी तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। कुणाल किसी के पीछे पीछे नहीं पड़ता है, समझ गई आप? आरती ने बुलाया था मुझे यहाँ मिलने के लिए। आरती जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसाने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? काश कि वो तुम्हारा असली चेहरा देख पाती। भाभी जी आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का सारा बोझ ना आपके नाजुक कंधों पे आ गया। ये बात आप जरा प्यार से भी बोल सकती। छुओ मत मुझे। और ये लड़कियों से क्या तुम मॉडलिंग का काम शुरू करवा रहे हो? वाह भाभी जी, मुझे नहीं पता था कि आप इस नाचीज की जिंदगी के बारे में जानने के लिए इतनी उतावली हो जाएंगी। देखो भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाना, उन्हें फंसाना, इसमें बहुत मजा आता है ना तुम्हें? मॉडलिंग के नाम पे तुम क्या काम करते हो ये अच्छे से समझ रही हूँ मैं। मैं तुमसे कह रही हूँ आरती से दूर रहो वरना। भाभी जी आपके ऊपर ये धमकी उनकी ना सूट नहीं करती, और वैसे भी हमारी मुलाकातें बढ़ने लग गई है, इस बात को आप थोड़ा प्यार से भी बोल सकती थी। विश्वास ही नहीं है तो फिर तो तोड़ दो ना ये रिश्ता। कुछ भी हो जाए अभय, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, और मैं ये साबित करके रहूंगी अभय कि आप गलत हैं। बोलो क्या है तुम्हारा सच? वो लड़का आरती का दोस्त है, और आरती को रोकने के लिए मुझे वहां उस लड़के से जाकर मिलना पड़ा। चुप।